मंत्री। उपाध्यक्ष जी, दो बातें उठाई गई है। वैसे डॉक्टर जोशी जी ने खुद ही कहा है, इसलिए उसमें अधिक इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन समाचार पत्र में ये खबर आने के बाद आज सुबह 10:30 बजे मैं प्रधानमंत्री जी से मिला था। क्योंकि इन सभी दिनों में मैं खुद लखनऊ में था, इसलिए ऐसी कोई बैठक हुई नहीं थी, इसकी मुझे पूर्ण विश्वास था। लेकिन मैंने सोचा फिर भी पूछ कर, सदन में कहना है तो जिम्मेदारी के साथ और प्रधानमंत्री की ओर से कहना है तो उनसे फिर पूछना चाहिए। और इसलिए मैं पूर्ण जिम्मेदारी से और प्रधानमंत्री की ओर से कहता हूं कि इस प्रकार की कोई बैठक, मतलब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या मानव संसाधन मंत्री जो आज है, इन तीनों की, तीनों में से दोनों की या अकेले की, ऐसी कोई बैठक कल्याण सिंह जी के घर पर नहीं हुई। मैं समझता हूँ और कहीं हुई, फिर हो सके कल्याण सिंह के नहीं गए तो और किसी सिंह के घर हुई, तो कहीं तो इसलिए ऐसी कोई बैठक कहीं नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी में किसी ने किसी प्रकार का बाबरी ढांचे को ढाने का षड्यंत्र किया ही नहीं था, इसलिए उसमें मिलने का न मिलने का, बैठक होने का कोई सवाल नहीं आता। और हम ये समझे कि एक व्यक्ति जो वहाँ SP था, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नकारा, वो 9 साल के बाद अचानक रहस्य उद्घाटन बैठक का करता है, इसको कितना महत्व देना, ये मैं हरेक की सत्सत विवेक बुद्धि पे छोड़ देता हूँ। बैठी, अब मंत्री जी बोल रहे हैं, मिश्रा जी, अरे विषय को मत, मिश्रा जी को मत बढ़ाइए, खत्म करिए। दूसरा नीलोत्पल जी बैठिए, सल्ला जी आगे चलो भाई, चलिए। मैं प्रधानमंत्री की ओर से बोल रहा हूं, इस पर जब तक आपका विश्वास है तब तक बाकी चिंता छोड़ दीजिए। उसमें जो दूसरा मुद्दा आपने उठाया है, मैं उसमें भी निश्चित रूप से कह सकता हूं कि 1993 में जो जमीन का अधिग्रहण हुआ था, भारत सरकार उसके विश्वस्त के रूप में काम कर रही है, और ये जमीन किसी को भी देने का किसी भी प्रकार का प्रस्ताव आज सरकार के सामने नहीं है।